प्लान है 2023 विजिट की, आप की देख पा रहे हैं, बेसिक से की है। इस पर तो आपको बस लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है और आपको कुछ नहीं मिलता वैसे। सुजुकी का लोगो है पीछे, पियानो ब्लैक फिनिश में, तो ठीक है। और जो आपका स्मार्ट फोब है, जैसे सी एस के टॉप वेरियंट में आता है, वो दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो हाँ भाई लोडो, ये है आपकी 2023 वेरियंट वाली नेक्सा की बलेनो, मारुति सुजुकी की बलेनो, सॉरी, ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट वेरियंट है। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इसके रिव्यू के लिए, तो थोड़ा माफ़ कर देना क्योंकि गाड़ी हमें अब अवेलेबल हो पाई है। तो ये आप देख पा रहे हैं, सामने से दिखाइए कैमरामैन, आप ये लुक देखिए, लुक ठीक है, मुझे इतनी अच्छी लगी। मेरे को ये जो हेडलाइट्स हैं ये ज़्यादा अच्छी लगी हैं, पास आइए ज़रा, आप ये हेडलाइट्स देखिए, हेडलाइट्स के अंदर ये आपके DRS दिए गए हैं, जो कि आपके तीन अलग अलग दिए गए हैं, पूरा सिंगल फ्लो नहीं है, जो कि कोई बात नहीं, कुछ अजीब नहीं है इसमें। आप ये देख पा रहे हैं जो आपके तीन DRS हैं, इनकी अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो जो आपका शार्क के पीछे जो फिन होता है, तो मुझे उनसे इंस्पायर्ड है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं, ये आपके हेलोजन टर्न सिग्नल से नीचे आपकी फॉग लाइट्स हैं, वो भी पूरी LED दी गई है, और क्रोम फिनिश मिल जाती है आपको ऊपर, और ग्रिल पर भी आपको नीचे से क्रोम फिनिश मिल जाती है, और वही शार्क के फिन वाला डिज़ाइन आपको ग्रिल्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। नीचे भी आपको ग्रिल दी गई है, जो कि आपके रेडिएटर को एयर प्रोवाइड करवाती है। पता नहीं ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूँ, हर गाड़ी की ग्रिल का यही फंक्शन होता है। और गाड़ी का कलर है नेक्सा ब्लू, जो कि आप उधर देखेंगे, अलग अलग वेरिएंट खड़े हुए सारे। ये आपका बेस वेरिएंट है, बीच में आप देखेंगे, ये उससे ऊपर आपका वो आपका सिग्मा है, ये आपका सिग्मा ऑटोमेटिक है। और वो गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं सीधा, इंजन को खोल कर पॉप द हुड करके। आइए आगे, आइए आगे, आइए। तो ये आप गाड़ी का इंजन देख पा रहे हैं, ये आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि आपका मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ जाता है। आपकी 90 हॉर्स पावर देता है और आपको 150 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। कैमरामैन थोड़ा आगे आइए। इसके अंदर जो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, उसको गोल्ड कलर में दिया गया है, काफ़ी सच में लगता है कि सोने का बना हुआ है, लेकिन है नहीं, वो ठीक है। जो आपका मैंने CS के रिव्यू में आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड दिखाया था CS का, वो आपका रेनबो टाइप कलर में था, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी काफ़ी कम अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, डीजल इंजन नहीं मिलता है। डीजल इंजन सुजुकी ने काफ़ी पहले बनाने बंद कर दिए हैं, तो बोनेट को मैं बंद कर देता हूं यार। तो जो आपका बोनेट का डिजाइन है, ये थोड़ा चेंज हो चुका है पिछले वेरिएंट के हिसाब से। आप देखेंगे तो कैमरा में थोड़ा पास आके दिखाइए, आपकी जो बोनेट्स पर लाइन है वो भी थोड़ी बदल दी गई है, और जो आपका इसका पूरा ओवरऑल डिजाइन है वो भी बदल दिया। आपका बोनेट का जो पहले जो ओपन होता था, तो आपका पूरा यहाँ से ओपन होता था, लेकिन अब थोड़ा पीछे का जो पार्ट है वो ओपन हो गया है। और ये आपका प्लास्टिक का पार्ट है, आपका मेटल बोनेट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपकी लाइन देखती है, इससे पहले आपका प्लास्टिक का पार्ट है ये। और अब हम फ्रंट डिज़ाइन की बात हो चुकी है, अब हम साइड प्रोफाइल पर चलते हैं। आइए, तो अभी हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर आ चुके हैं। आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल आपको पता ही है, प्रीमियम हैचबैक गाड़ी है ये। चेंजेस जो हुए हैं पिछले वेरियंट के हिसाब से, जो आपकी रियर विंडो है छोटी सी, इसको इसका साइज और कम हो गया है पहले से, और आपको एक क्रोम फिनिश में पूरी ट्रिम मिल जाती है, विंडो ट्रिम, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। एक बात जो अच्छी नहीं लगती, आप ये ए पिलर देखते हैं गाड़ी का, ए पिलर जो है इसको भी पूरा मैट फिनिश में दिया गया है, मैट ब्लैक, जो कि ग्लॉस ब्लैक होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। और साइड में आप ये ORVM देख रहे हैं, जो कि आपके बॉडी कलर हैं, और इन्हीं में आपके इंटीग्रेटेड LED टर्न सिग्नल मिल जाते हैं। इन्हीं के नीचे आप देखेंगे तो आपको 360 डिग्री आपके कैमरा मिल जाते हैं, जो कि आप अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पर। सेगमेंट में पहली गाड़ी है जिसके अंदर ये होगा। और पीछे क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको, ऑटो लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है, ठीक है।
तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये आपको नहीं मिलेगा, ये बस डिस्प्ले में लगी हुई है तो इसलिए आपको मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे रूफलेस नहीं है, काफ़ी क्लीन सी लुक दी गई है रूफ को। तो आप ये 16 इंच के डुअल टोन अलॉयज मिल जाते हैं आपको, जो कि सिल्वर और डार्क ग्रे मटीरियल है, हाँ डार्क ग्रे पेंट है, उसमें आपको व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनका जो डिज़ाइन है वो चक्री जैसा, ठीक है, अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। तो यही था इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। अभी हम इसके रियर प्रोफाइल पर चलते हैं। आइए कैमरा में, हम रियर प्रोफाइल पर आ गए हैं। ये जो आपकी रियर विंडो है, इसकी आप डिज़ाइन देखेंगे तो काफ़ी स्लांटिंग रियर विंडो दी गई, जो कि एक आपको कूप हैचबैक जैसी आपको लुक देती है, काफ़ी अच्छी लगती है आपको। रियर में भी जो आपके DRS है वो आपको फिर से इंडिविजुअल DRS मिल जाते हैं, जो कि वही LED हैं पूरे, आपकी लाइट्स पूरी LED, टेल लाइट्स, आपकी जो रिवर्स पार्किंग लाइट और आपकी जो हैलोजन टर्न सिग्नल्स है वो आपको हैलोजन में मिल जाते हैं। नीचे आपके रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, आपको पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और आपका कैमरा मिल जाता है आपको। ये जो आपका क्रोम पैनल है, इसके नीचे आपको कैमरा माउंट किया है, जो कि प्रीवियस मॉडल में भी आपको यहीं पर मिलता था। और ऊपर आपकी ब्रेक लाइट, आपका रियर विंडो वाइपर, या आप स्पॉइलर देख पा रहे हैं, काफ़ी क्लीन सी लुक है। कोई फंक्शन तो नहीं है वैसे इसका, लेकिन हाँ लुक को एनहेंस करता है। तो अब हम इसका बूट ओपन करते हैं। तो अगर मैं गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में बात करूं, आप गाड़ी की बूट स्पेस देख पा रहे हैं, जो कि आपकी 318 लीटर की है, पिछले वेरिएंट के हिसाब से थोड़ी कम हो गई है, तकरीबन 19-20 लीटर, तो इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। आप आगे आइए, आपका जो रिज है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा आपको रिज मिल जाता है, आपकी बूट काफ़ी नीचे है, बूट का जो फ्लोर है, और अगर आप हैवी लगेज डाल दें निकाल लें तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और ऊपर से आपके जो बॉडी का ये पैनल है, इस पर जो पेंट है ये भी आपका डैमेज होने वाला है, ऊपर से आपका सीलेंट भी डैमेज होने वाला है, तो ये एक नोटिस करने वाली बात है। अंदर आप देखेंगे आपको लाइट मिल जाती है, इसी लाइट के ऊपर आपको स्विच दिया गया जिससे कि आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरफ आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, और नीचे आप देखेंगे, आप जब ये फ्लोर उठाएंगे, फ्लोर मैट जो है आपकी, आप स्पेयर व्हील देख पा रहे हैं, ये आपका 15 इंचेस का आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि आपका रेगुलर साइज का नहीं है। क्यों नहीं है ये सुजुकी बताएगा। तो ये जो इसकी बूट स्पेस के बारे में, ये आपको शेल्फ मिल जाती है जो कि हार्ड प्लास्टिक की है, आप कुछ सामान स्टोर कर सकते हैं इस पर। अभी हम इसके टेलगेट को बंद कर देते हैं। तो ये था गाड़ी का रियर प्रोफाइल। एक्सटीरियर हमने पूरा डन कर दिया, और अगर आप टेल लाइट्स को देखेंगे, DRS जब ऑन है काफ़ी सुंदर लगती है गाड़ी, रियर प्रोफाइल स्पेशली गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम लुक देता है और काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट के मुकाबले मेरे को इसकी रियर प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगी है। आपको कुछ और मानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। और अगर आप एक बात जो मैंने नोटिस किया, आप साइड में आएंगे तो गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आपका जो पुराना वेरिएंट है उसी के जितना साइज गाड़ी का उतना ही है जितना पुराने वेरिएंट में आता था। गाड़ी के साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अंदर आपको स्पेस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाता है, आपको थोड़ी स्पेस एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अभी हम गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में चलने से पहले डोर के बारे में बात करते हैं। डोर की ओपनिंग पूरी वाइड है, तो अभी हम डोर पैनल के बारे में बात करते हैं। आप डोर पैनल देख पा रहे हैं, इस पर आपको सॉफ्टवेयर मटेरियल मिल जाता है यहाँ पर और यहाँ आपके आर्मरेस्ट पर। ऊपर आपको प्लास्टिक है, बाकी मेनली आपका या आपके स्पीकर है। आपको 1 लीटर की बोतल होल्ड करने के लिए आपको बोतल स्टोरेज मिल जाती है, और साइड में ही आपको थोड़ी और स्टोरेज दी गई है। ये आपके माउंटेड कंट्रोल्स है, जिन पर आपके विंडो ऑटो विंडो कंट्रोल्स हैं, आपके डोर लॉक लॉक और आपके ORVM के कंट्रोल्स है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। और ये आपका जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मटेरियल है, ये आपका नेवी ब्लू कलर में दिया गया है, जो कि ब्लैक के साथ ठीक है, लेकिन ज़्यादा उभर के नहीं आता है। तो यह गाड़ी में हेडजब मिल जाता है, आपको हेडजब डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आपका फर्स्ट इन सेगमेंट है। यह आपको पहले लग्जरी गाड़ियों में ही देखने को मिलता था, और इस पर आपकी स्पीड दिखाता है। गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं अच्छी तरीके से और आपको बताते हैं। तो अभी हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। आप स्टीयरिंग व्हील देख पा रहे हैं, जो कि आपका सॉफ्ट टच मटीरियल है, अच्छी बात है। आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग नहीं मिलती है, आपको ब्लैक स्टिचिंग मिलती है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। आपका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, बिल्कुल देख पाए, बॉटम पूरा फ्लैट है, और इसी में आपको
डार्क ग्रे मटेरियल में आपको ये इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं स्टीयरिंग व्हील को। इधर आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं और इधर आपके क्रूज कंट्रोल्स हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, अच्छी बात है। इधर आप देख पाएंगे ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, आपके दो कैमराज आपके दोनों साइड के ओवल रिम्स में, एक आपका पीछे आगे सॉरी फ्रंट ग्रिल में और एक आपका पीछे बूट टेल गेट पर है। आपको ऑटोमेटिक इंजन ऑफ का बटन मिल जाता है, जो कि आप अगर ट्रैफिक में खड़े हैं तो इंजन अपने आप ऑफ हो जाता है। और ये आपका हेडलाइट फ्लो एडजस्ट करने के लिए, और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं आपके हेडअप डिस्प्ले कंट्रोल है, जो कि आपका यहाँ से जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपका यहाँ से पॉप अप होता है। ये फीचर इस सेगमेंट में पहली गाड़ी है जिसके अंदर ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। वैसे ये फीचर आपको सिर्फ लग्जरी कार्स में देखने को मिलता था, जो कि आपकी तकरीबन 25 लाख से ऊपर की गाड़ी होती थी, उन्हीं में आपको ये फीचर देखने को मिलता था। स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं, इसको आप टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं और आप टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये सब आपका मैनुअली करना पड़ता है आपको। तो ड्राइवर डिस्प्ले की अगर हम बात करें, ये आप ड्राइवर डिस्प्ले देख पा रहे हैं, आपका स्पीडोमीटर, आपका रेव काउंटर, आपका फ्यूल गेज, आपका इंजन टेम्परेचर का गेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको डिस्प्ले दिया गया जो कि आपका ब्लैक एंड वाइट है। बाकी सुजुकी गाड़ियों में कलरफुल डिस्प्ले आता है, इसमें आपको कलरफुल डिस्प्ले नहीं मिलता है, जो कि एक थोड़ी अजीब बात है। और इस डिस्प्ले को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वही आपको देखना होगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कहीं से भी। इसमें आपके आपको फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है, आपका ये आपका रेंज दिखा देता है और आपका टेम्परेचर दिखा देता है, टाइम वगैरह। तो और आपका ऑडोमीटर भी आपको सेंटर में नीचे मिल जाता है। ये था इसका ड्राइवर डिस्प्ले। तो ये आप गाड़ी की सीट्स देख रहे हैं, ये आपका टॉप वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट है। इसमें आपको कोई लेदर सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है बलेनो के अंदर, ये आपकी फैब्रिक सीट्स हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो अंदर आपको ब्लू कलर की डॉट्स देखने को मिल जाती है, वही ब्लू कलर जो आपको डोर पैनल्स में देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है। बाकी आपका जो फैब्रिक है वो आपका पूरा ब्लैक कलर के अंदर है। सीट्स जो है काफ़ी कुशनिंग सीट्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट सीट्स आपको मिल जाते हैं, जिससे कंफर्ट आपका बढ़ जाता है। आपका जो बोर्ड से सपोर्ट है वो काफ़ी हैवी दिया गया, आप देख पा रहे कितना डीप आपको बोर्ड से सपोर्ट मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया, आप चाहे साइड की बात करें और आप चाहे अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, काफ़ी बढ़िया सीट्स दी गई हैं और काफ़ी सॉफ्ट हैं। आपको लॉन्गर जर्नीज के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है सीट्स पर। तो अभी हम गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड मेनली आपका प्लास्टिक ही है, आपको डैशबोर्ड पर कहीं भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है। ये आपका डार्क ग्रे फिनिश आपको मिल जाती है, जो कि आपकी प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आपको ग्लिटरिंग शाइन देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे डैशबोर्ड का जो पूरा डिज़ाइन है, जो इसका पूरा लेआउट है, काफ़ी अच्छा है, आपको प्रीमियम सी लुक देता है। पुराने बलेनों में जो आपके कंट्रोल्स थे वो आपको फिजिकल बटन्स दिए गए थे, वो आपको नीचे इस तरह से आते हुए लगते थे, वो ठीक थे लेकिन उसमें फिजिकल बटन से तो वो अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे आपको टच माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं मेनली आपके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर। नीचे जो आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन है, इस पर आपको फिजिकल बटन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये आपके टॉगल स्विचेज हैं फैन स्पीड के लिए और आपके टेम्परेचर के लिए, अच्छी बात है। आपको टॉगल स्विचेज और फिजिकल बटन नीचे देखने को मिलते हैं, टच स्क्रीन नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। टच स्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल में होना भी नहीं चाहिए। तो आप ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देख पा रहे हैं, आपका जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है ये आपका 9 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। इसका जो मटेरियल है अराउंड का, ये आपको पियानो ब्लैक मटेरियल मिल जाता है, जो कि आपके एयर वेंट्स के अराउंड में भी आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा लगता है ये। लेकिन हाँ, थोड़ा फिंगरप्रिंट भी कैच कर लेता है, जो कि कोई बात नहीं, शाइन भी देता उतनी। आप ये डिस्प्ले देख पा रहे हैं जो कि आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आप आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अंदर आपको टच माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि ड्राइवर को तो स्टीयरिंग व्हील पर मिल जाते हैं, लेकिन पैसेंजर को टच माउंटेड कंट्रोल्स इसी पर दिए गए हैं, जो कि ठीक है। अगर इनके लिए वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए आपको एक डायल दिया जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन कोई बात नहीं। इधर आपके होम ऑडियो वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर आपको। तो अभी हम सेटिंग्स में चलते हैं, आप सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले, डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी गाड़ी की, आप इस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। गाड़ी में आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। आप ऑडियो सेटिंग्स में आपको बैलेंस, इक्वलाइजर आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी सेटिंग में आपको वाईफाई, वॉइस असिस्टेंट आप फ़ोन से पेयर कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ के द्वारा। और ये आपकी व्हीकल सेटिंग है, जिसमें आप अपने अलर्ट्स वगैरह की सेटिंग आप सेट कर सकते हैं। और गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल लो है तो गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं अंदर बैठ के, तो आपको फ्यूल लो की वार्निंग भी दिखाता है और आपको एक असिस्टेंट जो है गाड़ी के अंदर वो बोलता है कि गाड़ी में फ्यूल लो है। और अगर आप उसकी बात सुनते हैं और अगर आप यस करते हैं, तो वो आपको जो नियर बाय पेट्रोल पंप है वहाँ तक का आपको नेविगेशन भी दिखाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये सब देखने को मिल जाता है।
ये एक अच्छी बात है। तो ये था गाड़ी के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बारे में। ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपको जो इससे नीचे आपके जो वेरिएंट आते हैं, जैसे कि सिग्मा वेरिएंट आता है, उसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। जीटा वेरिएंट में आपको थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं इससे। तो अभी आप गाड़ी का ग्लव बॉक्स देख पा रहे हैं। ग्लव बॉक्स का साइज डिसेंट है, लेकिन हाँ, ग्लव बॉक्स के अंदर आपको लाइट देखने को मिल जाती है ऊपर की तरफ, जो कि एक अच्छी बात है। रात के टाइम में आपको ईजी विजिबिलिटी हो जाती है इसके अंदर। और नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे आपको एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाता है, और इसी के साथ में आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, जो कि आपका यूएसबी 3.0 टाइप ए पोर्ट है आपका। नीचे आपको दो का पोर्ट मिल जाते हैं, और इधर आपको थोड़ी स्टोरेज मिल जाती है। आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती इस गाड़ी के अंदर, जो कि एक अजीब बात है काफ़ी। ये आपके दो कप होल्डर्स हैं, जो कि आपके डिसेंट साइज के। इनमें आपको कोई वेंट्स भी नहीं मिलती है, ठीक है, कोई नहीं। आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है। आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपका मैनुअल एडजस्टेबल आपका पार्किंग ब्रेक है, और जो ये आपका लेआउट है इसी की आप साइड में देखेंगे तो ये आपको वही डार्क मटेरियल जो आपका यहाँ यूज़ किया गया, डार्क ग्रे मटेरियल का ही आपको यहाँ पे यूज़ देखने को मिल जाता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रीमियम लुक दी गई है। और नीचे आपको थोड़ी स्टोरेज मिल जाता है, आप यहाँ पर अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। ये आपका आर्मरेस्ट है, जो कि आपका सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी गाड़ियों में आपको सिर्फ फिक्स रहता है। आप गाड़ी का आर्मरेस्ट देख पा रहे हैं, जो कि आपका एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है, आप इसको मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर की जो स्टोरेज है बिल्कुल ना के बराबर है, काफ़ी छोटा सा है। आपका मोबाइल भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा, और ये आपका लेदर रैप मिल जाता है। लेदर मटेरियल का यूज़ आपको सिर्फ आर्मरेस्ट पर किया गया, बाकी कहीं भी आपको लेदर मटेरियल का यूज़ नहीं देखने को मिलता है, ना ही आपका स्टीयरिंग व्हील पर, ना ही आपका सीट्स पर। तो ये था गाड़ी के कैबिन के बारे में। बस एक चीज़ जो अभी रहती है ऊपर के वायरस के बारे में बतानी। मैं सुजुकी कुछ कर दूंगा मैं तो, ये आपका वाइजर है, वाइजर डाउन, वेंटी मिरर आपको मिल जाता है, टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, एक्सटेंडेबल होते हैं वो देखना बाकी है, अभी नहीं होते भाई। तो ये सब आपको मिल जाता है कैबिन एरिया में ऊपर की तरफ। इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। भाई ड्राइवर को क्यों नहीं दिया गया यार, ड्राइवर की इतनी बेइज्जती क्यों करते हो यार तुम। ये आपका रियर व्यू मिरर है, जो कि आपके ऑटो के फंक्शन के साथ आता है, और आप इसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको नाइट वाले मोड में नहीं डाल सकते हैं। तो ये था फ्रंट पैसेंजर एरिया के बारे में। अभी हम रियर पैसेंजर एरिया पर चलते हैं, रियर सीट पर चलते हैं, और आपको बताता हूँ मैं। तो स्टीयरिंग व्हील क्या, अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ, आपको कॉल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और आपको वॉइस असिस्टेंट का जो बटन है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया। पीछे आपको ये आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं, इधर आपके आपके हेडलाइट स्टॉक के कंट्रोल्स, और आपके टर्न सिग्नल्स भी इन्हीं में इंटीग्रेट किए गए हैं। जो आपके टर्न सिग्नल के कंट्रोल है काफ़ी स्मूथ हैं, इतने स्मूथ, मेरे पास जीप कंपास है, मेरे पास नहीं, मेरे फादर के पास, उसमें भी इतने स्मूथ नहीं है, ये काफ़ी स्मूथ बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है एक। तो ये आप रियर डोर की ओपनिंग देख पा रहे हैं, काफ़ी वाइड है, और सीट्स की जो हाइट है वो काफ़ी लो रखी गई है, जिससे कि अंदर एक्सेस काफी मस्त हो जाती है। तो आप ये रियर डोर पैनल देख पा रहे हैं, रियर डोर पैनल पर आपको वही फ्रंट डोर की तरह यहाँ भी आपको लेदर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। यहीं भी आपको फैब्रिक लेदर मिल जाता है, और आपका पियानो ब्लैक फिनिश, या आपको क्रोम डोर हैंडल्स, और कुछ नहीं है खास। तो अभी हम रियर सीट पे बैठा हुआ हूँ मैं। हेडरूम इनफ है, काफी डिसेंट हेडरूम आपको मिल जाता है, 1 इंच अराउंड आपको हेडरूम मिल जाता है। नी रूम ज़बरदस्त है, लेग रूम ज़बरदस्त है, आपकी सेंटर की जो टनल है वो ज़बरदस्त नहीं है, आपको काफ़ी रेस मिलती है सेंटर ट्रांसमिशन टनल के अंदर। पीछे आप ये 2 एयरवेंट्स देख पा रहे हैं, जो कि आपकी इंडिविजुअली आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और नीचे आपकी इनकी स्पीड भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको नीचे 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट है और एक आपका टाइप ए पोर्ट है, सॉरी एक आपका टाइप सी पोर्ट है और एक आपका टाइप ए पोर्ट है USB में, अच्छी बात है ये। नीचे आपको थोड़ी स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें आपका फ़ोन आधा ही आ पाएगा, पूरा नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ आपको चार्जिंग करनी हो तो नीचे आप अपना फ़ोन रख के चार्जिंग कर सकते हैं, काफ़ी इजी एक्सेस हो जाती है। या आपको पीछे सीट्स के पीछे स्टोरेज मिल जाती है थोड़ी,
और पीछे की सीट्स का कंफर्ट बिल्कुल फ्रंट की तरह है, लेकिन जो आपका हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरी हाइट 6 फुट 1 है, तो मैंने हेडरेस्ट एक्सटेंड कर रखा है, वरना ये मेरी नेक पर बिल्कुल लगता रहता है। इसको हम नीचे कर देते हैं। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपको आइसोफिक्स पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि आप चाइल्ड सीट काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं, क्योंकि डोर की जो ओपनिंग है वो काफ़ी वाइड है, और पॉइंट्स की भी जो एक्सेस है वो काफ़ी बाहर की साइड है, काफ़ी अंदर आपको सीट के अंदर घुसना नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। और एक जो अजीब बात है, नेक्सा के जो बलेनो है इसके पीछे सेकंड रो में एक ही रो है वैसे तो, जब आप सीट को फोल्ड करेंगे 60-40 की पोजिशन में आपकी ये सीट फोल्ड होती हैं, तो ये जो आपकी सीट बेल्ट है सीट्स के साथ में आ जाती है, और जब आप इसको यहाँ से हटाते हैं पीछे डालते हैं, और जब आप इसको वापस से पोजिशन में रखते हैं, भाई सीट बेल्ट गायब ही होगी, पीछे ही दबगी पूरी सीट बेल्ट। तो ये काफ़ी अजीब बात है, सीट बेल्ट को यहाँ पे टक करने के लिए कुछ भी मैकेनिज्म या कुछ भी पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो जो बातें मुझे इस इंटीरियर या फिर इस पूरी गाड़ी के बारे में अच्छी नहीं लगी, वो एक तो है जो आपकी सीट बेल्ट है, जब आप सीट को फोल्ड करते हैं और आप जब सीट को वापस से प्लेस में लगाते हैं तो आपकी सीट बेल्ट इन्हीं के साथ में घूमती फिरती रहती है, काफ़ी बदतमीज सीट बेल्ट है ये, अभी पीछे इसके पीछे दब गई है, इसको निकालने के लिए आपको खींचना पड़ेगा, सीट पर से हटाना पड़ेगा, इसको टक करने के लिए कुछ नहीं दिया गया। दूसरी अजीब बात है, आप ये आर्मरेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सिर्फ लेदर है, आर्मरेस्ट लेदर मटेरियल आपको सिर्फ आर्मरेस्ट पर मिलता है, जो कि ये भी एक काफ़ी अजीब बात है। तीसरी अजीब बात, आपको ड्राइवर साइड में कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, ड्राइवर जाए ऐसी तैसी कराने। चौथी अजीब बात ये है कि आपको लेदर का जो यूज़ है आर्मरेस्ट के अलावा, जो आपका गियर लीवर है उसको कवर करने में दिया गया है यार, मतलब कि सीट पर नहीं है, स्टीयरिंग व्हील पर नहीं है, गियर लीवर को कवर करने के लिए आपको लेदर का यूज किया गया है। तो ये थी कुछ अजीब बातें बलेनो के बारे में, 2023 वेरिएंट के बारे में। अब कुछ अच्छी बातें भी हैं इसके इंटीरियर के बारे में और एक्सटीरियर के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक और अजीब बात जो इसके एक्सटीरियर के बारे में, वो ये है कि आपको एंटीना, आप देख रहे हैं आपको ओल्ड स्टाइल एंटीना मिलता है, आपको कोई भी शार्क पिन एंटीना नहीं मिलता है, जो कि शार्क पिन एंटीना अगर दिया होता तो गाड़ी की लुक को एनहांस तो करता ही है वो, और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटीरियर के बारे में कुछ अच्छी बातें बताऊँ, तो आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ये एक अच्छा पॉइंट है, आपको गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है यहाँ पर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और तो एक जो बात एक्सटीरियर के बारे में अच्छी नहीं लगती है, वो ये आप देख पा रहे हैं, आपको जो बोनेट है वो आपका मेटल में है, लेकिन वो आपका यहाँ से इस लाइन के पीछे से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आप ये पार्ट देख रहे हैं इतना सा, ये आपका पूरा प्लास्टिक का पार्ट है, तो ये एक अजीब बात है, और इसको मैं एक बेकार पॉइंट के उसमें गिन सकता हूँ मैं। तो एक अच्छी बात एक्सटीरियर के बारे में, ये DRS का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अच्छा भी है, बिल्कुल मस्त लगता है यार मेरे को। तो ये था बलेनो के अल्फा वेरिएंट का रिव्यू। गाड़ी बढ़िया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट और जो कि आपको सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। बलेनो भी लग्जरी प्रीमियम हैचबैक है यार, तो अच्छी बात है ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यही था गाड़ी के रिव्यू के बारे में, तो बाय बाय।